हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई, आप लोग ये देख के बिल्कुल परेशान मत हो कि भाई ये बंदा बाहर किधर घूम टहल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, घर के अंदर जाओ। हम लोग सब लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को सबको ये बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। बैंक्स को एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इसीलिए मैं तो भाई ऑफिस जा रहा हूँ और आ रहा हूँ रोज़, एक नॉर्मल लाइफ जिस तरह होती है। अच्छा, अब आप लोग ये समझ रहे हो कि ये बंदा अभी किधर टहल रहा है। भाई यहाँ तो कहीं ऑफिस नहीं दिख रहा है। मेरी जो ब्रांच है वो एक रूरल ब्रांच है, गांव में है, अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में। तो हाँ, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स दूर है। तो मेरे को 30 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, आज पहला मोटो ब्लॉग बनाया जाए। और अभी मैं जिस रोड पे हूँ, ये गांव से कनेक्ट करती है शहर को, और इसके पहले मैं जिस रोड पे चल रहा था वो गांव के अंदर की ही रोड थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हालत में थी। ये भी जो रोड आप देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं है, आगे जा कर के थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम आई है इस रोड पे भी आगे जा कर के। देश भर में लॉकडाउन चला, COVID-19, जिसका दूसरा नाम कोरोना वायरस भी है, लोग कोरोना वायरस बोल के ज़्यादा समझते हैं उसे। जो ये COVID-19 है, इसने पूरी यू नो पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले रखा है। और इंडिया में इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है। मार्च में ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मेरे को अब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। सीरियसली इतना टाइम हो गया है अब इसको लॉकडाउन को, कि अब तो डेट भी नहीं आता कि एग्जैक्टली कब से ये शुरू हुआ था। इंडिया में लॉकडाउन ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज कैमरा लेकर के ऑफिस आया जाए और थोड़ा सा मोटो व्लॉग किया जाए, थोड़ा एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अब शहर से बाहर तो कहीं जा नहीं सकते। चलो, ये मैं थोड़ा सा लकी अपने आप को मानता हूँ कि मेरे को यू नो ऑफिस से घर से ऑफिस निकलने का परमिशन है, तो थोड़ा बहुत टाइम पास अपना हो जाता है दिन का, वरना तो दिक्कत होती है घर पे बैठे बैठे क्या ही करना है। रोड्स पूरी खाली हैं आगे से पीछे तक, और ये देखो कुछ लोग खड़े हुए हैं ऐसे। इस 25 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में बीच में कई गांव पड़ते हैं। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि यू नो राइट और लेफ्ट देखो आप, दोनों ही तरफ खेत ही खेत, तर एरिया में आपको खेत ही खेत नजर आएंगे। तो बड़ी ग्रीनरी है इस रास्ते पे, एकदम फ्रेश हवा मिलती है इस रास्ते में। तो अभी फिलहाल मैं जल्दी से घर पहुँचता हूँ, एंड आई विल सी यू देयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं घर आ गया हूँ और मैं टेरेस पे आ गया नहाने के बाद। मुझे लगा मौसम इतना अच्छा है, हवा चल रही है, सनसेट भी हो रहा है जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो आई थॉट कि ये बेस्ट जगह है, इधर आऊँगा, थोड़ी देर इत्मीनान से बैठूँगा, चेयर लेके आया हूँ, बैठूँगा टेरेस पे, तो और कुछ बातें आप लोगों से करूँगा। लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश भर में, लोग अलग अलग तरीक़ों से परेशान हो चुके हैं। अब यही बात आप लोगों से बाइक पे भी हो रही थी। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस ये कर सकते हैं कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपनी ज़रूरत का सामान लेके रखे रहें पहले से ही, ताकि हमें बार बार मार्केट ना जाना पड़े। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये लोगों को आ रही हैं कि दे आर लाइक लूजिंग देयर मेंटल स्टेबिलिटी इन अ सर्टन वे, कि उन्हें थोड़ी सी ना एंग्जाइटी सी फील हो रही है। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया और बताया कि भाई अब सही नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, मेंटल प्रेशर फील हो रहा है थोड़ा, कि भाई घर पे बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट स्टिल यू आर अनएबल टू गो टू प्लेसेज, यू आर अनएबल टू गो टू रेस्टोरेंट्स और कैफेज और एनीथिंग लाइक दैट। आप घर के अंदर पड़े हुए हो, कहीं नहीं बाहर जा सकते हो, आ सकते हो थोड़ा इन्जॉय करने, थोड़ा रिलैक्स करने को, बट ठीक है यार, ये हमारी भलाई के लिए है, वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो इट। इस पर ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना बात करोगे उतनी ज़्यादा फिर दिमाग में टेंशन पड़ेगी। आज मैंने फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग करी, आई डोंट थिंक ये ऑडियो उतनी क्लियर आई होगी, बिकॉज कुछ है इशू, एक्चुअली कुछ एक दो सामान है जो मेरे अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी किसी भी आइटम की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो अभी जो भी आइटम है वो अटके पड़े हुए हैं। जैसे ही वो डिलीवरीज फिर से होना चालू होंगी, तो कुछ आइटम्स हैं मेरे को और मंगाने हैं अपने कैमरे के लिए। इसका एक अलग से बैटरी चार्जर है, डुअल बैटरी चार्जर, मेरे को वो मंगवाना है सबसे पहले, तो वो अटका हुआ है, वो आ ही नहीं पा रहा है पिछले कई दिनों से। एक एक्सटेंशन पोल था, वो नहीं आ पा रहा है, नॉट एग्जैक्टली एक्सटेंशन पोल, इट्स अ 3-way माउंट, वो नहीं आ पा रहा है। माइक का अडैप्टर नहीं आ पा रहा है, दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न जो आज की मोटो व्लॉग में आवाज़ साफ नहीं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से साफ नहीं आई है। आई बिलीव मैं वॉइस ओवर लगाऊंगा उस वीडियो में, आई नो आप लोग मेरे को बख्श दोगे इस बात की, चलो भाई का सामान नहीं आया ऐसे करके, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही ये लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें खत्म हो, तो मैं अपना सामान फिर से ऑर्डर करूँ, क्योंकि वो सारे सामान आ जाएंगे तो इट विल बी लाइक मोर फन टू मेक एनी काइंड ऑफ वीडियो विद दैट। और हाँ, ये भी फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो इस लॉकडाउन की वजह से है, कि जो आइटम्स की डिलीवरी है वो नहीं हो
पा रही है। और जब मेरे दूसरे दोस्तों से बात हो रही थी तो एक और मेजर प्रॉब्लम सामने आई निकल के कि सबके बाल बहुत बड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो घर पे बैठ के ट्रिम कर लिया बिकॉज दे वॉन्टेड टू, बट मुझे सच में नहीं करने अपने बाल ट्रिम अभी भाई, हेयर ट्रिम नहीं करा सकते हैं, बाबर शॉप्स आर क्लोज्ड। तो चलो बहाना मिल गया अपने को कि भाई ऑफिस में अब कोई टोकेगा भी नहीं, और इसी बहाने बाल भी लंबे हो रहे हैं माशाल्लाह। लोग बताते हैं नेचर हील हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा हो रखा है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये बात सही भी है, क्योंकि जब गाड़ियां रोज़ चलती थी रोडों पे और दिस एंड दैट एवरीथिंग, फैक्ट्रीज खुली होती थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्यू टू पॉल्यूशन एंड अदर स्टफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बट अभी फ़िलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, दिल्ली मुंबई का तो खासकर, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं लोगों को। सब लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। मेरा तो खैर ऑफिस चलता है जैसे कि आप लोग को पता है, बैंक्स खुले हुए हैं रोज़ सुबह शाम, ऑफिस की चक्कर लगी रहे हैं मेरे तो। ठीक है, सही टाइम पास भी हो रहा है, वरना घर पे बैठे बैठे पूरे दिन क्या करता। अभी बाहर भी नहीं जा सकते घूमने फिरने, अभी सब कुछ मेरा काम बंद है। जल्दी से ये लॉकडाउन खुल जाए प्लीज़, मेरे को नेक्स्ट वीडियो शूट करना है। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज आई डेफिनेटली नीड टू गो समवेयर जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर आप लोग बताओ कि मैं नेक्स्ट टूर अपना किधर का प्लान करूँ। विद दैट सेड, घूमिए फिरिए, इंजॉय करिए, खुश रहिए, और मिलते हैं आपसे किसी और जगह। तब तक के लिए बाय बाय।